हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रौपदी किचन। चलिए आज को स्मार्ट कुकिंग करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत ही फेमस इंडियन डेजर्ट राजस्थानी स्वीट घेवर। और घेवर हम जो होते हैं, अब सबको पता है जिन्होंने खाया है कितना टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। जिन्होंने नहीं खाया है, प्लीज़ आज ये रेसिपी देख के ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी है बनाना, लेकिन सुपर टेस्टी होता है ये स्वीट राजस्थान का। और आप देख सकते हो ये घेवर जो है कितने जालीदार बने हैं, एकदम हलवाई जैसे है। अब जाली देख सकते हो कितने अच्छे से जाली आए हैं, एकदम हलवाई के जैसे। हम दोनों स्टाइल में घेवर दिखाएंगे बनाना, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ऐसे भी दिखाएंगे। और साथ में मिक्सर ग्राइंडर पे भी आप घेवर आराम से घर पे बना सकते हो। बैटर बनाना है, उसके लिए हमने लिया है 1/2 कप घी और 3 बड़ा चंक बर्फ या आइस। अब बर्फ या आइस और घी को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करती रहूँगी जब तक ये मिक्स होके एक अच्छा स्मूथ बैटर ना बन जाए, एक एकदम क्रीम जैसा बैटर बनेगा। और जब हम मिक्सर ग्राइंडर पे ये सेम सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, लेकिन इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ ही मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो हमने जो आइस और घी का एकदम मिक्सचर रेडी है, एकदम स्मूथ मक्खन जैसा बन गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा 1 कप। आप मैदे को मैं हल्का सा मिक्स करूँगी और साथ में मैं मिक्स करूँगी 1/4 कप दूध। दूध को मैदे के साथ मिक्स कीजिए और फिर हम दूध भी ऐड किया। थोड़ा ऐड करेंगे इसमें चिल्ड वाटर, क्योंकि घेवर का जो बैटर होता है ये हमेशा ध्यान रखें वो बहुत ही ठंडा होना चाहिए, एकदम चिल्ड। तो हम थोड़ा चिल्ड वाटर, ठंडा पानी ऐड कर रहे हैं और बैटर बना रहे हैं। तो और अभी मैंने मिला दिया 1 टीस्पून नींबू का रस। नींबू का रस इसको खस्ता बनाएगा, कुरकुरा बनाएगा। अब ये बैटर बहुत ही पतला हो गया। अब मैं इसमें मिला रही हूँ बेसन 1 टेबलस्पून। हलवाई लोग घेवर में बेसन इसलिए मिलाते हैं ताकि घेवर जो है बहुत ही जालीदार बने। अब मैंने यहाँ एक बहुत ही पतला बैटर रेडी किया है, करीब 1 लीटर पानी मैंने ऐड किया है, एकदम चिल्ड वाटर, और एकदम पतला बैटर बना लिया है। अब इस बैटर को मैं एक सॉस के बॉटल में डाल रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो जब मैं घेवर फ्राई करूँगी। इसलिए आप चाहे तो डायरेक्ट चम्मच से ही थोड़ा थोड़ा बैटर डाल सकते हैं। अब मैं इसको फ्रीज में रख दूंगी क्योंकि घेवर का बैटर हमेशा ठंडा एकदम चिल्ड होना चाहिए। अब मैं इसका शीरा बना रही हूँ। 1 तार शीरा बनेगा, इसका चाशनी बनेगा। 1 कप चीनी लिया, उसमें मिला दिया 1/2 कप पानी। अब मैं इसका चाशनी बनाऊंगी 1 तार वाला, क्योंकि घेवर का जो चाशनी होता है वो 1 तार में ही बनता है, तभी वो अच्छे से घेवर में मिक्स एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैं इसमें छोटी इलायची डाल रही हूँ 3 से 4। अब देखिए हमारा चाशनी जो है वो बनके रेडी हो रहा है। चेक करके देखते हैं हमारा चाशनी रेडी हुआ या नहीं। हमें चाहिए 1 तार की चाशनी। देखिए ये 1 तार का चाशनी इसको बोलते हैं। जब हम इसे हाथ में कर रहे हैं तो बस 1 तार बन रही है, मतलब हमारा चाशनी रेडी है। हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब देखिए घेवर बनाने के लिए आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं, प्रेशर कुकर हो, कढ़ाई हो, पतीला हो, हम पतीले में बनाएंगे। लेकिन जो भी चीज़ हो उसका बेस जो है वो मोटा होना चाहिए, तभी घेवर अच्छा बनता है। अदरवाइज वो पतीला जल जाएगा, बर्तन जल जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। और इधर आप देख सकते हो घेवर बनाने के लिए हमने ढेर सारा घी लिया है। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हो। घी जो है वो बर्तन के आधा पोर्शन तक ही डालिए, मतलब आधा बर्तन खाली रहेगा जैसे देख सकते हो, और आधा तक आप घी डालिए। और जो है हमारा फ्लेम फुल फ्लेम रहेगा, लेकिन ध्यान रहे जो भी बर्तन आप बिठाएंगे गैस के ऊपर उसका फ्लेम जो है साइड से ऊपर नहीं आना चाहिए। अब घी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बैटर डाल रही हूँ। आप एक साथ बैटर नहीं डालना है, बस थोड़ा सा डालिए। जब ऐसे जैसे बबल्स बन रही है ऑयल का और ऊपर आ रहा है, ये थोड़ा कम हो जाए फिर थोड़ा सा बैटर डालिए। तो आप देख सकते हो हमने बैटर एक बार डाला, बबल्स थोड़ा सा शांत हो जाएगा जब, तब हम फिर थोड़ा सा बैटर डालेंगे। और बीच में मैं होल बना रही हूँ, इसी होल में बैटर वो डालिए, वो क्या होगा साइड बाय साइड वो जमा होता रहेगा। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रही हूँ, और ध्यान रखिए गैस इस टाइम हाई फ्लेम में होना चाहिए। और आप देख सकते हो जैसे ही मैं थोड़ा सा बैटर डाल रही हूँ ये पूरा घी ऊपर तक आ रहा है, इसीलिए हमको 1/2
पतीला तक ही हमको घी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, अदरवाइज़ क्या होगा सारा जो घी है ऊपर आके नीचे गिर जाएगा और एक एक्सीडेंट होने की चांसेस है। तो मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डाल रही हूँ और बीच में एक होल बना रही हूँ, क्योंकि उसी होल में मैं बैटर डालूंगी। और ये ठंडा है, एकदम चिल्ड है बैटर हमारा घोल, तो वो क्या हो रहा है गरम घी या तेल में आते ही वो जो है वो एक जैसे जालीदार कुरकुरा टाइप का होके वो साइड में जम रहा है, वही जाके अच्छा सा जालीदार घेवर हमको देगा। इसीलिए बैटर जो है हमेशा चिल्ड या ठंडा होना चाहिए। अब देखिए मैं ऐसे 12 से 14 बार आप थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालिए। लेकिन जब हम एक बार बैटर डाला, अब देखिए ये जो झाग है वो थोड़ा नीचे बैठ गया। अब ये जो बबल्स आ रहे हैं, ये जो बुदबुदे आ रहे हैं, ये थोड़ा सा शांत हो गया, फिर हम नेक्स्ट टाइम बैटर डालें, तभी अच्छा वो जालीदार घेवर बनेगा, अदरवाइज क्या होगा आपका घेवर कच्चा रहेगा। तो देखिए हमने करीब 12 से 13 बार मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर डाला। अब देखिए घेवर नीचे से फ्राई होना स्टार्ट हो गया है, इसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया। मैं एक छुरी ले लिया और साइड में हल्का सा इसको प्रेस किया तो देखिए बाहर आ रहा है। अब थोड़ा मैंने प्रेस करके इसको नीचे डाल दिया ताकि घेवर जो है अच्छे से ऊपर से भी फ्राई हो जाए। मैंने तेल में थोड़ा दबा दिया, अब हल्के से उठाइए तो देखिए हमारा कितना अच्छा जालीदार घेवर रेडी है। ऐसे ही हम सारे घेवर बना लेंगे। और याद रखें बैटर ठंडा होना चाहिए। अब मैंने एक ऐसे ही इसको ऊपर रख दिया एक छन्नी के, ताकि एक्स्ट्रा जो घी है वो निकल के बाहर आ जाए। अब मैं दो घेवर एक के ऊपर एक रखा है ताकि ऊपर से अभी मैं चाशनी डालूंगी तो वो इसका जो जाली है जो होल्स है उसी से जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे वाले घेवर में चला जाएगा। आप चाहे तो एक एक करके घेवर में भी चाशनी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए चाशनी जो है हमने इसीलिए एक तार का बनाया है ताकि घेवर इसको अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। अगर चाशनी बहुत पतला होगा तो घेवर जो हमारा इसका कुरकुरापन जो है वो ख़राब हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। और चाशनी अगर बहुत गाढ़ी होगी तो घेवर जो है ना उस वो चाशनी को एब्जॉर्व ही नहीं करेगा। और ध्यान रखें जब हम घेवर में चाशनी डालेंगे तो चाशनी हल्का सा गुनगुना गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तभी घेवर उसको जल्दी से एब्जॉर्व कर लेगा। मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ और थोड़ा सा आप चाहे तो सिल्वर फॉयल के साथ गार्निश कीजिए। अब यहाँ भी मैंने थोड़ा सा सिल्वर फॉयल कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश किया है, वो आप अपने मनपसंद के हिसाब से गार्निश कीजिए। अब मैं घेवर को रबड़ी के साथ भी गार्निश करूंगी। और घेवर वाली रबड़ी कैसे बनाते हैं घर पे, उसका रेसिपी मैंने एंड स्क्रीन पे दे दिया है, आप लोग ज़रूर देख लेना, बहुत इजी है बनाना। आप ऐसा रबड़ी ऐसे भी मतलब ऐसे ही बिना घेवर के भी खा सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, यहाँ भी आप चाहे तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स और सिल्वर फॉयल के साथ घेवर को गार्निश कीजिए। अब कितने अच्छे घेवर बनके रेडी हो गए हैं, जैसे हमारे हलवाई के दुकान पे हमको मिलता है। ये एक घेवर हलवाई के दुकान पे 200 रुपए के आसपास मिलते हैं, और वही घेवर हमने घर पे रेडी कर लिया कितने आसानी से, बस 20 से 30 रुपए के आसपास पड़ेगा। और कितना टेस्टी बना, कैसा लगा आज की रेसिपी फ्रेंड्स, घर पे ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कैसा बना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।